फायरिंग हो रही है, दोनों ही पक्षों की तरफ से फायरिंग की जा रही है। सर्च अभियान के दौरान ये मुठभेड़ हुई है, नारायणपुर में मुठभेड़ हुई है। संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए। खेम नारायण, मुठभेड़ हो रही है नक्सलियों के साथ, क्या कुछ जानकारी अभी? जी, नारायणपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दंतेवाड़ा और जीजापुर नारायणपुर का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर जो है बस्तर फाइटर और एसटीएफ के संयुक्त बल जो नक्सल अभियान विरोधी अभियान के लिए निकले थे, उनके साथ जो है नक्सलियों की मुठभेड़ हो रही है। और बताया जा रहा है कि मुठभेड़ रुक रुक कर हो रही है और जो नक्सली हैं उनके तरफ से भी गोलियां बरसाई जा रही हैं, और इधर जो सर्चिंग पार्टी है उनके तरफ से भी फायरिंग रुक रुक कर हो रही है। और एक खबर निकल कर सामने आई है कि कोई नक्सली की हताहत की खबर आई है, लेकिन उसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जी, तकरीबन कितनी देर से मुठभेड़ चल रही है? सर्चिंग के लिए निकले हुए थे जवान और इसी दौरान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। खेम नारायण, सुबह ही जो सर्चिंग पार्टी के जो जवान है वो निकलते हैं, और सुबह सुबह जो ये है फायरिंग शुरू हुई थी, और ये जो है रुक रुक कर जो है अब तक जो है जो फायरिंग है वो चल रही है, और जब पूरे तरीके से मुठभेड़ जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो है पूरी वास्तविक स्थिति का पता लग जाएगा। बिल्कुल। और ये कितने नक्सली होने की आशंका है, कितने नक्सली जिनके साथ मुठभेड़ हो रही है और कितने इस तरफ से देखा जा रहा है कि लगातार फायरिंग की जा रही है, मोर्चा संभाला हुआ है जवानों ने, कितने तकरीबन किस दल के नक्सली, कोई जानकारी उनके संबंध में? जी देखिए, अभी ये जो नक्सली हैं उनके दल का अभी पता नहीं है, लेकिन जो है जिस तादाद में जो नक्सली हैं और काफी देर से जो रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, तो इससे यही लगता है कि जो नक्सली हैं उनकी संख्या अच्छी खासी है, और वो जो है रुक रुक कर जो है फायरिंग का जवाब दे रहे हैं, और लगातार जो है सर्चिंग पार्टी भी जो है नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जवाबी फायरिंग कर रहे हैं। जी, बस्तर फाइटर्स और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई के दौरान ये सर्च अभियान चलाया जा रहा है, और अक्सर ये देखा जाता है कि जब इस सर्च के लिए जवान निकलते हैं उस दौरान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ होती है। अभी कहा जा रहा है कि किसी नक्सली को गोली भी लगी हुई है, घायल हुआ है? जी देखिए, फायरिंग के दौरान जब नक्सली घायल होते हैं या मरने की जो खबर निकल कर आती है, जब सर्चिंग में मुठभेड़ जब समाप्त हो जाता है, मुठभेड़ के बाद जब जवान पूरे घटनास्थल की सर्चिंग नक्सली के मारे जाने और घायल होने की जो है पुष्टि हो पाती है। जी जी बिल्कुल। और अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पे, क्या अभी भी लगातार फायरिंग की जा रही है? खेम नारायण जी देखिए, जो पुलिस अधिकारी के जानकारी के मुताबिक यही पता चला है कि वहां पर जो है अभी रुक रुक कर जो है फायरिंग जो है दोनों ओर से चल रही है, और जो है जैसे ही फायरिंग मुठभेड़ समाप्त होती है उसके बाद जब सर्चिंग पार्टी में गए जवान उस घटना स्थल में अपना सर्चिंग करेंगे, तब पूरी जो है घटना के बारे में जानकारी मिल पाएगी। बिल्कुल। अभी हाल ही में एक डिप्टी सीएम ने कहा था, एक पत्र भी जारी किया गया था जिसके माध्यम से नक्सलियों से कि किस तरीके से इसे रोका जा सकता है जो नक्सली घटनाएं हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, लगातार जो कोशिश है नक्सलियों के खात्मे की वो तो है ही, लेकिन कोशिश ये भी है सरकार की कि मुख्यधारा से नक्सलियों को जोड़ा जाए, और जल्द ही नक्सलियों के खात्मे के लिए जो सर्चिंग अभियान चलाया गया था इस दौरान मुठभेड़ हुई है, एक नक्सली को गोली लगने की बात सामने आ रही है। हालांकि पूरा ये जो मामला है ये कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, अभी भी लगातार मुठभेड़ जारी है।